इसलिए आज यहाँ 21 आजाद सिख लड़ेंगे और 21 आजाद सिख मरेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा अभिनीत फिल्म केसरी, जिसे डायरेक्ट किया है अनुराग सिंह ने, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा हो चुका है और आज से फिल्म का दूसरा हफ्ता चालू हो गया है। दोस्तों, बात करें इस फिल्म के बारे में तो फिल्म बैटल ऑफ सारागाड़ी के युद्ध पर आधारित है और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में पब्लिक की तरफ से काफ़ी अच्छा कलेक्शन और काफ़ी ज़्यादा प्यार हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में तो केसरी फिल्म का बजट है 80 करोड़ रुपए। वहीं इस फिल्म को अपने पहले हफ्ते में इंडिया में 3600 स्क्रीन में रिलीज किया गया था, वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म को मिली थी 4200 स्क्रीन। लेकिन दोस्तों, फिल्म का दूसरा हफ्ता जहां चालू हो चुका है तो फिल्म की स्क्रीन कम हो गई और फिल्म के पास अब सिर्फ 2000 स्क्रीन बची है। क्योंकि दोस्तों, इस हफ्ते दो नई फिल्में रिलीज हुई है बॉक्स ऑफिस पर। पहली है सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म नोटबुक, वहीं दूसरी फिल्म है विद्युत जम्वाल की जंगली। दोस्तों, इस हफ्ते से अक्षय कुमार की फिल्म केसरी को बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों का कंपटीशन मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर केसरी ने शुरुआत की है अपने दूसरे हफ्ते में, उसे देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं केसरी के ऊपर जंगली और नोटबुक का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों फिल्मों को रिव्यूज़ तो हालांकि ठीक ठाक मिले हैं, लेकिन अभी भी ऑडियंस की पहली पसंद केसरी बनी हुई है। इसी की वजह से दोस्तों, ये फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी बढ़िया कारोबार कर रही है और जिस तरह से ये फिल्म दूसरे हफ्ते में शुरुआत हुई है, उसे देखते हुए अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद जाग चुकी है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबा चलने वाली है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। अगर दोस्तों बात करें हम केसरी के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो जैसे कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ली थी लगभग 21 करोड़ 60 लाख रुपए से, वहीं इस फिल्म ने अपने वीकेंड में कमा लिए थे लगभग 78 करोड़ 60 लाख रुपए। वहीं दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी कि शुरुआती 8 दिनों में 107 करोड़ का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लिया था। वही बात करें 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9वें दिन दो नई फिल्में रिलीज हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर, उसके बावजूद भी केसरी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और फिल्म को सुबह वाले शोज में 25 से 30% तक की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली और नाइट वाले और इवनिंग वाले शोज में भी ये फिल्म की बुकिंग काफ़ी बढ़िया है। तो जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक केसरी फिल्म अपने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 करोड़ का कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, केसरी फिल्म का जो इंडियन नेट कलेक्शन होता है वो हो चुका है 113 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की, तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में लगभग 155 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों, फिल्म का बजट जहां था 80 करोड़ रुपए और फिल्म का ग्रोस कलेक्शन 155 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म केसरी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अभी देखना यह बाकी है कि क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं। ऐसे दोस्तों, आपको क्या लगता है केसरी फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या हो सकता है? 200 करोड़, 220 करोड़, 250 करोड़ या 180 करोड़ रुपए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई न्यूज के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।